अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे इज़ योर कंप्यूटर क्लास। फर्स्ट वी स्टार्ट द दुआ फॉर इंक्रीजिंग नॉलेज। रेज योर हैंड फॉर दुआ। रब्बी जिदनी इल्मा। तर्जुमा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। जी स्टूडेंट्स, आज आपकी कंप्यूटर की क्लास है जिसके अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 1 कम्प्लीट करेंगे। सिर्फ हमारी क्वेश्चन आंसर की एक्सरसाइज रह गई थी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 15। जी स्टूडेंट्स, अब आपने अपना पेज नंबर 15 ओपन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आंसर द फॉलोइंग। ए, व्हाट आर द स्टेप्स टू स्टार्ट अप अ कंप्यूटर। अब कौन कौन से स्टेप हैं जब हम अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो हम कौन कौन से स्टेप्स को देखते हैं, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो देखिए, जब हम अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं हम इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने पावर सप्लाई का जो स्विच है वो हम ऑन करते हैं। देखिए, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ये आपके पास 3 स्टेप्स हैं। तो अब आप ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्विच ऑन द पावर सप्लाई। सेकेंड स्टेप, उसके बाद हम जब अपने पावर सप्लाई का बटन ऑन कर लेते हैं तो हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं, स्विच ऑन द पावर बटन लोकेटेड ऑन द सिस्टम यूनिट। अब जो आपके सिस्टम यूनिट पे बटन होता है हम उसको क्या करते हैं, उसको ऑन करते हैं। एंड द थर्ड स्टेप इज़ स्विच ऑन द बटन ऑन द मॉनिटर। अब जो आपके मॉनिटर में बटन होता है हम उसको ऑन करते हैं। तो जी स्टूडेंट, आप अपनी कॉपी में ये क्वेश्चन उतारिएगा। सबसे पहले आपने अपनी कॉपी में चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर बेसिक्स की हेडिंग डालनी है। उसके बाद आपने लिखना है स्टार बना के, आंसर द फॉलोइंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, राइटिंग बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। 4 लाइंस आपकी हैं कॉपी में मौजूद, आप उसमें देखिएगा कि W हमारे पास ऊपर की 3 लाइंस में आता है। WHAT, वॉट, ARER, THE, द STEPS, स्टेप्स, TO2, स्टार्ट, UP, अप, आ कंप्यूटर। ठीक है, नंबर 1 हम आंसर में नंबर 1 बताएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्विच ऑन द पावर सप्लाई। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने पावर सप्लाई को ऑन करना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप स्विच ऑन द पावर बटन लोकेटेड ऑन द सिस्टम यूनिट। अब आपने क्या करना है, अपने पावर बटन को जो है वो ऑन करना है जो आपके सिस्टम यूनिट मतलब CPU में होता है। ये देखिए ये ऑन भी कर रहे हैं। थर्ड स्टेप है स्विच ऑन द पावर बटन ऑन द मॉनिटर। अब आपने क्या करना है, अपने पावर बटन को जो आपके मॉनिटर में है उसको ऑन करना है। ये देखिए, ये यहाँ पर कर रहे हैं बटन ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। अब क्या डिफरेंस है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो आपने बताना है। गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच, और इन दोनों के आपने क्या करनी है, एग्जांपल्स देनी है। आप ये क्वेश्चन अपनी कॉपी पे उतारेंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे जब आप ये क्वेश्चन उतार लेंगे तो आप दो कॉलम्स बनाएंगे, 2 कॉलम्स बनाएंगे। आप कैसे कॉलम्स बनाएंगे, टीचर आप ही दिखा रही हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये आपने 2 कॉलम्स बनाने हैं। ऐसे देखें, पहले आपने लिखना है कंप्यूटर हार्डवेयर और दूसरे कॉलम में लिखना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ऐसे आपने 2 कॉलम्स बनाने। सबसे पहले यहाँ पर आप डॉट लिख दें या स्टार बना दें, कुछ भी बना दें। उसके बाद लिखेंगे द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर that you can see and touch are known as hardware. अच्छा जी, ये सेंटेंस पढ़ने के बाद, पॉइंट नंबर 1 पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ जहन में आ रही होगी, समझ भी आ रहा होगा क्योंकि आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, कि कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं। कंप्यूटर के वो हिस्से, वो पार्ट्स जिनको हम देख सकते हैं, मतलब that you can see, जिनको हम देख सकते हैं एंड मतलब और टच कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहते हैं। जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो क्या होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं। अब हम इसके डिफरेंस लिखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का।
द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट यू कैन सी बट कैन नॉट टच आर नोन एज सॉफ्टवेयर। यहाँ पे बताया कि कंप्यूटर के वो पार्ट जिनको हम देख तो सकते हैं मगर हम उसको छू नहीं सकते, वो होता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है? हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम देख भी सकते हैं, जिनको हम छू भी सकते हैं, उसको कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिनको हम देख सकते हैं बट कैन नॉट टच, हम उसको छू नहीं सकते। ओके स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल भी हमारे पास, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, बताया कि दोनों की एग्जाम्पल आपने बतानी है। कंप्यूटर हार्डवेयर में कि बताया कि हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, जिसमें हमारे पास कीबोर्ड है, हम कीबोर्ड को देखते भी हैं, हम कीबोर्ड के ज़रिए टाइप भी करते हैं, ठीक है, हम उसको टच करके ही टाइप करते हैं ना। ये देखिए माउस, माउस हम माउस को छू भी सकते हैं, हम माउस को हिला के हमारा कर्सर भी घूमता है, तो हम इसको देखते भी हैं और हम इसको टच भी करते हैं। और हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एग्जाम्पल है विंडोज़, पेंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ETC। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या होता है, विंडोज़ है, पेंट जो हमारे कंप्यूटर में होता है, हम सिर्फ उसको देख सकते पर हम उसको छू नहीं सकते। तो उसमें हमारे पास विंडोज़ है, हम पेंटिंग करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, हम इनको नहीं टच करते। ओके स्टूडेंट, ये सफाई के साथ आपने अपनी कॉपी में ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं, बिल्कुल सफाई के साथ काम होगा। जब आपकी कॉपी चेक होने के लिए आएंगी, कॉपीज आपकी जब चेक होंगी तो बिल्कुल अच्छा अच्छा काम होना चाहिए ताकि आपको गुड और स्टार मिले। ओके स्टूडेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, काम को सफाई के साथ अपनी कॉपी में करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।